हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स में हमने लास्ट वीडियो में 3.2 तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक हुआ था? 3.2 से तक। आज हम एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में आपको सिर्फ समझाऊंगी, करेंगे आप सेल्फ। ओके, एग्जामिनेशन टाइप में देखिए, देयर आर 142 स्टूडेंट इन अ क्लास। एक क्लास में कितने बच्चे? 142। ईच वन गेव सब्सक्रिप्शन ऑफ 325 फॉर अ टूर। एक टूर के लिए टूर जा रहा था, उसके लिए एक बच्चे ने 325 रुपीज़ दिए। स्टेट द अमाउंट कलेक्टेड द सब्सक्रिप्शन इन ऑल। तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। क्या किया जाएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई। मैं आपको सिर्फ बताऊँगी, करेंगे आप सेल्फ। क्वेश्चन नंबर वन, If one student gave amount is equal to, एक बच्चे ने कितना दिया? 325। So 142 students will give is equal to 325 को 142 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करने थे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई भी सिखा चुके हैं और डिवाइड भी सिखा चुके हैं, बट मैं आपको एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है। अब इसका आंसर आप खुद निकालेंगे। रफ कॉपी में इस मल्टीप्लाई को करना है और फाइंड आउट आंसर। तो जो आंसर आएगा वो क्या है? टोटल 152 स्टूडेंट्स ने अपना सब्सक्रिप्शन दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, There are 445 mangoes in 5 basket. ठीक है, 5 basket है, उसके अंदर 445 mangoes हैं। How many mangoes are there in 12 such basket? ऐसे ही 12 basket है, उसके अंदर कितने mangoes होंगे? 5 basket में कितने हैं? 445। देखो, If 5 baskets mangoes are mangoes, mangoes are कितने 5 basket में कितने हैं? 445 mangoes। In 1 basket mango, एक basket में कितने mangoes होंगे? 445 को divide करना है किससे? 5 से। करके देखो यहाँ रफ में, 4 5 8 40 4 9 45, यानी 89 मैंगो कितने एक बास्केट के अंदर होंगे। 5 बास्केट में कितने मैंगोज़ हैं? 445। तो 1 बास्केट में कितने मैंगो होंगे? 445 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 89, एक बास्केट का आ जाएगा। अब देखो इसके दूसरे पार्ट में, इफ़ 1 बास्केट हैव मैंगोज 89, यदि एक बास्केट में 89 मैंगोज हैं, देन 12 बास्केट्स हैव मैंगोज। 12 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे? 89 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको निकालना है। देखो वापस समझो, 5 बास्केट में मैंगोज़ कितने बता रहा है? 445। तो 12 बास्केट में कितने होंगे? अब देखो 5 से 12 का रिलेशन तो निकालना मुश्किल है। अपन क्या करेंगे, 5 बास्केट में जितने मैंगो हैं, पहले हम एक बास्केट का निकालेंगे, और जब हमारे पास एक बास्केट का आ जाएगा तो हम 12 का इजीली निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा वो क्या है? 12 बास्केट्स में कितने मैंगोज़ हैं? मैंगोज इन 12 बास्केट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, 171 मीटर लॉन्ग रिबन इज डिवाइडेड इनटू 19 पार्ट्स इक्वली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। वेरी नाइस, 171 मीटर लंबा रिबन है, उसको 19 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट में कितना मीटर कपड़ा आएगा? करो, 19 पार्ट्स
इज इक्वल टू 171 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 19 पार्ट्स में कितना मीटर है, इतना, तो वन पार्ट में कितना होगा, 171 डिवाइडेड बाय 19 से डिवाइड करके आपको निकालना है आंसर कितना आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एक दिन में क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। सबसे पहले तो एज वी नो, पहले हम इधर बताएंगे, इन वन मिनट सेकंड्स कितने होते, 60 सेकंड्स। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। फिर इन वन आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और वन डे में आवर कितने होते हैं, कितने आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो अब देखो, तो इसको ऐसे करेंगे, वन मिनट में इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ऐसी सी लिख दो ना, केवल सेकेंड्स। सो वन मिनट में 60 सेकेंड्स, सो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, एक घंटा हो गया ना, 60 मिनट या फिर एक वन आवर, एक ही बात हुई। वन मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट यानी एक घंटे में कितने होंगे, 60 into 60 सेकेंड्स, 6 6 36, 00, इतने सेकेंड्स हो गए हमारे 60 मिनट यानी एक घंटे में। ठीक है, अब एक घंटे में आपके हो गए कितने, इतने। इफ इन वन आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, अब आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सो इन 24 आवर्स इज इक्वल टू इंटू 24, 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर। वापस समझो, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में होते हैं, वन मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, एक घंटा यानी कि 60 मिनट, जब वन मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड्स। इफ इन वन आवर इज इक्वल टू 360 सेकंड्स, तो 24 आवर्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी एडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक हेल्दी पर्सन होता है, उसकी जो दिल की धड़कन है वो एक मिनट में कितनी बार चलती है, 72 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स डिड इट बीट इन हाफ ऑफ द डे, आधे दिन में कितने हार्ट बीट्स चलेंगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्ट बीट इन वन मिनट इज इक्वल टू 72 टाइम्स। एक मिनट में कितनी बार चलती है, कितनी बार चलती है, 72 टाइम्स। सो इन एक मिनट में इतनी बार चलती है, तो 60 मिनट यानी एक घंटा, तो 60 मिनट्स में कितनी बार चलेगी, 72 into 60। ठीक है, कितना आया, 72 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4320 टाइम्स, यानी एक मिनट, 60 मिनट या फिर एक घंटे में दिल की धड़कन कितनी चलती है, कितनी हार्ट बीट्स चलेंगी, 4320, 60 मिनट। अभी कह रहा है हाफ डे, हाफ डे मीन्स 12 आवर्स, भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हाफ डे मीन्स आधा, 24 का हाफ कितना होता है, 12, सो हाफ डे इज इक्वल टू 24 आवर्स।
अब लिखो, इफ इन 1 आवर इज इक्वल टू 4,320 टाइम्स, सो इन हाफ डे, आधे दिन में कितनी बार चलेगी, 4,320 इंटू 12, करो अब इसको, 4,320 को मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, आंसर इज 51,840, 51,840 टाइम्स, यानी आधे दिन में इतनी बार चलती है। अब मैंने, अब बुक में नहीं लिखा है बट मैं कह रही हूँ कि पूरे दिन में निकालो, इन वन डे निकालो आप, वन डे में क्या करोगे, 12 की जगह आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया, इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा आपको माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ 25 वुमेन गेव ₹75 एज सब्सक्रिप्शन, 25 लेडीज हैं, औरतें हैं ना, उन्होंने एक ने, ईच ऑफ, ईच मतलब हर ने ₹75 दिए हैं, बाय पुटिंग दिस सब्सक्रिप्शन टुगेदर इट वॉज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 15 फ्लड इफेक्टेड पीपल, हाउ मैनी रुपीज डिड ईच गेट। देखो ये क्या कह रहा है, आपके दो दो क्वेश्चन साथ चल रहे हैं, है ना, ईच वुमेन गेव, एक हर औरत ने कितने दिए, 75 रुपीज़, ठीक है, सो 25 वुमेन गेव, 25 का कितना हो गया, 75 × 25, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 25, आपको क्या करना है, 75 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1,875 आ गए। अभी क्या कह रहा है कि 1,875 जो रुपए आए हैं उसको 15 फ्लड इफेक्टेड पीपल, यानी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, 15 में डिवाइड करना है। इफ टोटल अमाउंट इज 1,875, सो 15 पीपल में कितना अमाउंट आएगा, भाई ये आपका टोटल जो वुमेन से कलेक्ट हुआ है वही हमको 15 में बांटना है, सो टोटल अमाउंट इतना है, 15 पीपल गेट, 15 पीपल कितना, यही मिलेगा 15 को भी, सो वन पर्सन गेट, अब वन पर्सन को कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाय 15, 1,875 को डिवाइड करना है 15 से, 1,875 को करिए जल्दी से, डिवाइड करना है 15 से, तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 125 रुपीस, समझ में आया, वापस समझिए, इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। हर बच्चे ने पिकनिक के लिए पैसे दिए 75 रुपीस, ठीक है, हर बच्चे ने कितने पैसे दिए पिकनिक के लिए, 75 रुपीस। अब आपकी क्लास में है 25 बच्चे, तो कितने पैसे आएंगे, तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बच्चा दे रहा है 75 रुपीस, तो 25 बच्चे कितना देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया, भाई हमें पिकनिक जाना है, ठीक है, अब पिकनिक गए हम, अब आपका लगा वहाँ पर एंट्री टिकट, एंट्री टिकट में क्या हुआ कि सब बच्चे पिकनिक गए वहाँ पर, हमारे पास 100 रुपये इतने हैं, तो एक बच्चे के कितने पैसे, भाई हमने उसको इतने पैसे दे दिए, हम जहाँ कुछ देखने गए वहाँ एंट्री टिकट में हमने उसको इतने रुपये दे दिए। अब एक बच्चे ने मेरे से आके पूछा कि मैम हमारा एक बच्चे का कितना है, और कितने बच्चे थे, हमें वो जो पैसा है वो 15 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बच्चे को कितना अमाउंट मिलेगा, हमने आपसे वो पैसे ले लिए और हमें क्या करना है, एंट्री टिकट में 15 बच्चों का देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तब एक बच्चे का आएगा, यानी 125 अमाउंट पर पर्सन, ओके। तो ये आपके एग्जामिनेशन टाइप कंप्लीट हो गए हैं, अब ये वाला चैप्टर जो था
चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन टाइप आपको सारे कॉपी के अंदर करने हैं, सब कॉपी में हो जाना चाहिए, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब बता दिया है किस तरीके से क्या करना है, तो ये आपको उसमें करने हैं, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट होते हैं। थैंक यू।